रायसेन जिले में पशु के लंपी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसको देखते हुए कलेक्टर अरविंद दुबे ने जिले में पशु मेले और पशु हाट बाजारों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही रायसेन जिले के सीमा क्षेत्र में पशुओं का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जिलों राज्यों से रायसेन जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि लंपी पशुओं की एक वायरल बीमारी है जो पॉक्स वायरस द्वारा पशु में फैलती है। यह रोग मच्छर काटने वाली मक्खी और टिक्स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। वर्तमान में जिले में लंपी वायरस के संक्रमण से कुछ पशु संक्रमित हुए हैं जो इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि संक्रमण गाय भैंस में फैलता है, गौवंश में ज्यादा फैलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। शासन प्रशासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में प्रदाय किए जाने वाले पशु इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दरअसल यह आदेश 16 सितंबर से आगामी आदेश तक जारी रहेगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर 188 की कार्रवाई की जाएगी। कहीं से ऐसे पत्र नहीं आए हैं, एक दो जो सूचना आती है तुरंत डॉक्टर्स को भेजते हैं और वो उसका देख के अगर उसमें होती है तो वहाँ इलाज कर देते हैं। अभी सुबह आज ही मेरे गाँव में सूचना आई थी कि वहाँ पर दो जानवरों को कुछ चकत्ते दिए थे, पर हमने यहाँ से 4 सदस्य दल भेजा डॉक्टर का, उन्होंने देखा तो उसमें वो फंगल इन्फेक्शन था। फिर भी हमने उसका सैंपल लेके स्टेट DIR को भेज दिया है।